जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम ये सौंपे गए हैं आपकी संघ की ओर से। ये ज्ञापन मैंने शासन की ओर से प्राप्त किए हैं और इनको जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पहुँचाने की कार्रवाई मेरे स्तर पर की जाएगी और आगे और मैं इसके संबंध में कुछ अधिकृत नहीं हूँ। यही कैसे लड़ेंगे नहीं चलेगी। अब जो यहाँ पे आज का जो कार्यक्रम था उसमें क्या क्या मांगे थी और क्या हुआ आज बताएंगे आप? आज का जो यहाँ पे आंदोलन था ये कल से शुरू था। ये पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आए थे। इनकी मुख्य मांग यही है कि पिछले लंबे समय से शिवराज सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की और बिना कुछ खाली हाथ इनको घर में भेज दिया जाता। कोई पेंशन और ग्रेच्युटी का कोई प्रबंध नहीं है इनके पास। किसी भी तरह की सोशल वेलफेयर की स्कीम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। कोई भी इलाज सुलभ के लिए इनको ESI या PF का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए इनकी मुख्य मांग थी कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को परमानेंट किया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा तब तक सरकार कम से कम न्यूनतम मजदूरी दे और पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए कम से कम वर्कर के 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपया दे और पेंशन कम से कम 5,000 रुपया दिया जाए और जो निजी काम धड़ाधड़ किया जा रहा है कॉरपोरेट ग्रहणों को आंगनवाड़ी केंद्र गोद दिए जा रहे हैं निजीकरण पर रोक लगाई जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण किया जाए उनके सरकारी बिल्डिंग बनाई जाए आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर फर्नीचर का प्रबंध किया जाए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि वर्कर हेल्पर के एक्सपीरियंस की बात करने से पता चला कि 1986 से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को प्रसूता लाभ मिल रहा है और आज तक भी मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को जो 6 महीने का प्रसूता लाभ है जो 145 दिन की अपनी अबॉर्शन लीव है या मेडिकल लीव है 20 दिन की कैजुअल लीव है वो भी इनको आज तक मिल नहीं रही। अधिकारियों को इनके अधिकार से भी वंचित रखा है। ये सभी मांगों को लेकर के आंदोलन है और ये आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है क्योंकि आज 2 दिन लगातार महापड़ाव के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी कल तक तो सोए पड़े थे आज SDM साहब ने आके मांग पत्र लिया है और सिर्फ यही भरोसा दिला करके गए हैं कि हम मांग पत्र सरकार को भेजेंगे। सरकार की ओर से कोई भी पक्का या पुख्ता कोई संदेश नहीं आया कि किस तारीख को सरकार के साथ मीटिंग होगी या सरकार मानदेय में कोई बढ़ोतरी करेगी ऐसा कोई भी संदेश वर्कर हेल्पर के बीच में नहीं आया। तो बड़े गुस्से और जोश के साथ वर्कर हेल्पर ने यहाँ आज का जो समापन किया है इसमें 4 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पे होलिका दहन किया जाएगा जिसमें शिवराज का पुतला BJP का पुतला और संबंधित महिला बाल विकास मंत्री के पुतले से होलिका बना के जलाई जाएगी और 8 मार्च को मध्य प्रदेश के जिला के जो मुख्यालय हैं उनके ऊपर नारी शक्ति के रूप में पूरी गिनती में बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन लगातार 15 मार्च तक चलेंगे और 15 मार्च से 16 मार्च तक 24 घंटे की जो भूख हड़ताल वहाँ पे लगातार चलेगी और उसके बाद दोबारा जो ये 7 यूनियन का मंच है वो लगातार बैठ के दोबारा फिर अपनाना